विश्व एड्स दिवस के अवसर पर जिला अस्पताल से एक जन जागरूकता रैली निकाली गई, जिसको सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिसके संबंध में डॉक्टर सुधाकर पांडे ने बताया कि एड्स एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि असुरक्षित यौन संबंध से फैलता है। उन्होंने बताया कि एक ही सीरिंज के बार बार प्रयोग से इन्फेक्शन फैलता है। उन्होंने बताया कि अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को एड्स की जाँच कराई जाती है और ऑपरेशन के समय भी एड्स की जाँच की जाती है, जिससे एड्स जैसे बीमारी पर कंट्रोल किया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने कहा, विश्व एड्स दिवस है। इसके उपलक्ष में हमने हमारे स्टाफ ने बच्चों के साथ में एक रैली निकाली, जिससे कि एड्स के बारे में जागरूकता फैलाई जाए। एड्स मरीजों, जैसे ही पता चलता है किसी को एड्स है तो भेदभाव का लोग इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे से भेदभाव रखने लगते हैं, और इनका इलाज प्रॉपरली हो और देश से हम इसको इन्फेक्शन को कंट्रोल किया जा सके, बाहर भगाया जा सके, तो इसके उपलक्ष्य में रैली निकाली गई है और बच्चों ने बहुत उत्साह से इसमें भाग लिया। एड्स से चूँकि एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि असुरक्षित यौन क्रिया से फैलता है, और साथ ही साथ कुछ ग्रुप में जो एडिक्शन के ड्रग्स लेते हैं उनमें एक ही सिरिंज कई लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि सुरक्षित नहीं रहती है, उससे एक दूसरे संक्रमण फैलने के चांसेस रहते हैं, और साथ ही साथ ब्लड ट्रांसफ्यूज़न अगर इन्फेक्शन है तो उससे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से भी फैल जाते हैं। तो हमारे ज़्यादातर हम जो भी हम रूटीन जांच में इसको शामिल किया गया है, जिससे कि एड्स फैलने ना पाए। गर्भवती महिलाएं होती हैं, उनकी एड्स की जांच हम रेगुलर कराते रहते हैं, ऑपरेशन के समय भी हम जांच कराते रहते हैं, रूटीन जांच होती रहती है, तो इस तरह से इसके ऊपर कंट्रोल किया गया है और नियंत्रण किया गया है। सर, इस एड्स से बचने का उपाय क्या है? इससे असुरक्षित जो क्रिया ना की जाए, अगर इससे मंजूरी है तो कंडोम और इस तरह की चीज़ें अपनाई जाए, साथ ही साथ सिरिंज का इन्फेक्टेड सिरिंज का इस्तेमाल ना किया जाए, और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में अच्छी लेबोरेटरी से ही ब्लड ट्रांसफ्यूज़न कराया जाए, तो इससे इन सब की बीमारियों से बचा जा सकता है।
और साथ ही साथ ये बीमारी जो है क्रॉनिक डिसीजेज में ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस जो लंबी बीमारी होती है, तो उसके साथ कोरिलेशन हो जाता है। डायबिटिक वालों को भी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो इस तरह से अगर कहीं कांटेक्ट में आने पर उनको बढ़ने की संभावना रहती है।